ज्यादा सोच से कैसे बचे, इसके बारे में बातचीत करने वालों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। काफी सारे लोग मुझे कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा सोच आती है, इतना सोचते रहते हैं और फिर मतलब थक जाते सोचते सोचते, वो थॉट्स कुछ रुकते ही नहीं। ट्रेन ऑफ थॉट्स, चेन ऑफ थॉट्स चालू है। कभी कभी एक ही थॉट इतने बार बार रिपीट करता है, या कभी अलग 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 थॉट आते रहते हैं। कभी इतने चिंता के विचार आते, इतनी चिंता भरी रहती है कि समझ भी नहीं आता क्या करना। तो इसके लिए करना क्या क्या है कि जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई, एक तो क्या होता है, PCT होता है। PCT मतलब प्रॉब्लम सेंटर्ड थिंकिंग, PCT प्रॉब्लम सेंटर्ड थिंकिंग। और दूसरा होता है सोल्यूशन सेंटर्ड थिंकिंग, SCT। अभी प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग जो है, जिसको प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग है, दोनों भी हो सकते हैं। तो जिसको प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग है तो उसका कैसा होता है कि भाई, उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, और एक कोई तो भी प्रॉब्लम उसके दिमाग में आता है और फिर उसके बारे में बहुत सोचते रहता हो, और इतना सोचते रहता है कि समझो अभी कल यात्रा करने जाना है, ट्रैवल करना है, सफ़र करना है, तो उसमें उसको चिंता लगी रहेंगी, क्या मेरा बर्थ बराबर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर बहुत ज़्यादा चिल्लाऊंगी क्या गाड़ी में, फिर गाड़ी टाइम पे आएंगी कि नहीं आएंगी, फिर आगे तो समझो चढ़ते समय मेरा पैर ही घसर गया तो क्या करना, या फिर मुझे कल बुखार ही आ गया तो, या मेरा पैर फिसल गया तो कैसा होऊंगा, या गाड़ी में मेरे को नींद ही नहीं आई तो क्या होंगी। मतलब ऐसा कंटिन्यूसली वो विचार करते रहेगा और उसको लगता है कि सब जो भी कुछ है वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम उसको दिखते रहता है। तो ये प्रॉब्लम सेंटर्ड थिंकिंग है कि भाई मैं फेल हो गया तो क्या होगा, फिर लोग मुझे क्या बोलेंगे, फिर मैं अगले साल फिर बैठूंगा, फिर अगले साल तक पढ़ाई नहीं हुई तो क्या करना, फिर भी सेकंड टाइम फेल हो गए तो क्या होगा, या सेकंड टाइम भी अच्छे मार्क नहीं मिले तो क्या होगा, फिर तो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, फिर नौकरी में क्या होगा, मेरा प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरी का पैसा पुरेगा नहीं पुरेगा, फिर मुझे शादी की लड़की कौन देगा। चालू है ऐसे प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग चालू रहते हैं उनको। प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग वालों को पैसे का क्या होगा ऐसा लगता है कि भाई फाइनेंस का क्या होगा, पैसा पुरेगा कि नहीं पुरेगा, फिर पैसा पुराने तो क्या होगा, समझो मुझे हार्ट अटैक आ गया और ऑपरेशन करना पड़ा तो फिर कैसा होगा, ऐसा चालू रहता है। और उनका सोल्यूशन नहीं रहता उसमें कुछ भी, वो सोल्यूशन नहीं सोचते, सिर्फ वो प्रश्न ही पूछते रहते अपने आप को, वो प्रश्नार्थ ही रहता है थिंकिंग पूरा। दूसरा जो है वो सोल्यूशन सेंटर थिंकिंग है। सोल्यूशन सेंटर थिंकिंग का मतलब कि भाई ठीक है, जो हो गया वो हो गया, समझो वो हो जाता है तो उसको एक्नॉलेज करो, ठीक है ऐसा हो गया तो अभी क्या करना है, मतलब वो पॉसिबिलिटी थिंकिंग है, संभावनाओं का थिंकिंग है, पॉसिबिलिटी है कि ठीक है भाई ऐसा है तो फिर पॉसिबल क्या है, क्या संभव है, समझो मैं फेल हो गया, ठीक है तो फिर क्या करना है, फिर और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है और क्या करना होगा, समझो फेल हो गया तो फिर डबल ट्यूशन लगाएंगे, ठीक है और क्या होगा, ज़्यादा घंटे पढ़ाई करेंगे, अच्छा और क्या होगा, कोई नया ट्यूशन में लगा दूंगा, मतलब सोचेगा ठीक है पैसा खत्म हो गया तो ठीक है पैसा खत्म हो गया है, पैसा पूरा है तो फिर क्या होगा, समझो अटैक आ गया और पैसा नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। मतलब उनका पूरा ख्याल जो है वो सॉल्यूशन के ऊपर रहता है, फ्यूचर के ऊपर रहता है कि फ्यूचर में मैं क्या करूं और जो हो गया वो हो गया उसके लिए मैं क्या करूं, ऐसा उनका थिंकिंग रहता है। समझो एक आधी बहू है, वो फिर वो सोचती है कि मेरे सास ने मुझे ऐसे ही क्यों बोला, वो तो सास मेरी ऐसी टॉन्ट मारती रहती है, एक साल पहले ऐसा बोला था, फिर दो साल पहले भी ऐसे ही बोला था, फिर ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, फिर मैंने मेरे माँ बाप को क्यों नहीं बोला कि ये ऐसी सास मेरे को ऐसा बोल रही है, या मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं बोला। और जो सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग है वो क्या बोलेंगे, ठीक है सास ने ऐसा बोला तो ऐसा बोला, ठीक है वो पास्ट में हो गया, अभी वो बोल रही क्या नहीं बोल रही, उस समय उसका मूड खराब हो गया होगा इसलिए बोला होगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, तो ठीक है मैं भी उनसे बात कर सकती हूँ, फिर से देख सकती हूँ कि उनका मूड कैसा है, मूड के हिसाब से देखेंगे कैसी बात करना है, तो मतलब वो सॉल्यूशन देखेंगे रादर देन गेटिंग स्टक, अटक जाना और कुछ नहीं करना, उसके बदले सॉल्यूशन ढूंढना और आगे बढ़ना, ये सॉल्यूशन सेंटर्ड थिंकिंग का होता है। तो थिंकिंग जो है वो हम रोक नहीं सकते, 50,000 से 60,000 थॉट्स रोज दिमाग में आते रहते हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स निगेटिव रहते हैं, तो फिर वो थॉट्स ऑटोमेटिक जो आते हैं उनको ऑटोमेटिक आते देना, क्योंकि जो ऑटोमेटिक आ रहे वो ऑटोमेटिक आ रहे तो उनको आने दो ऑटोमेटिक, या फिर हमने थॉट्स क्रिएट करना कि जो ऑटोमेटिक थॉट आ रहा है उसके ऊपर फिर मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ,
क्या सॉल्यूशन है वो कर सकता हूँ, वो देखना। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें फायदा होगा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।